पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान अस्सलाम वालेकुम। इसके बारे में मेरे आज का दिन जनाब मियां नवाज, सबसे पहले मैं जो यहाँ पे तकरीब हल्फे वफादारी हुई उन अहदेदारों को मुबारकबाद दूंगा और इस यकीन के साथ कि कल आज खुशी का दिन है, हंसने वालों के साथ सब हंसते हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जब रोने का टाइम भी आए तो वो सब साथ खड़े हों। यही दुनिया का कानून है और यही दस्तूर भी है। आज का दिन 28 तारीख को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस बहादुरी के साथ इंडिया के धमाकों का जवाब दिया, जब 11 मई को इंडिया ने 5 धमाके करके पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की गैरत को ललकारा, तो वो 14 दिन मियां नवाज शरीफ की जिंदगी के वो संगीन दिन थे कि जब एक तरफ से अमेरिका बहादुर सरकार का दबाव था, एक तरफ यूरोप का दबाव था, एक तरफ ताबूती ताकतों का दबाव था, लेकिन मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अमेरिका के 5 अरब डॉलरों को ठुकराकर पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के अवाम का सौदा नहीं किया। उन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट क्लिंटन को कहा कि नहीं, हम मुसलमान हैं, हम हमारा सर कट सकता है लेकिन हमारा सर किसी ताबूती ताकत के सामने झुक नहीं सकता, धमाके करना हमारा फर्ज था। अगर आज नवाज शरीफ और धमाके न करते तो खुदा की कसम इंडिया कब का पाकिस्तान को चबा चुका होता। और मैं आज उन ताकतों की सरजमीन पर खड़ा होकर कहता हूँ, मुसलमानों की गैरत को मतलब करो, हम हर मुल्क के कानून का एहतराम करना जानते हैं, हम जानते हैं अमेरिका के कानून को भी, हम जानते हैं यूरोप के कानून को भी, हम अमेरिका के कानून का भी एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी खुददारी का एहतराम भी किया जाए, हमारी खुददारी का सौदा नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारे पीछे ये जो तुमने इन लोगों को लगाया हुआ है, इन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम मौत से नहीं डरते, हमारी ताकत, हमारी इज्जत, हमारा ईमान पाकिस्तान है। मेरी माँ पाकिस्तान, मेरी बहन पाकिस्तान, मेरी बीवी पाकिस्तान, मेरे बच्चे पाकिस्तान और मेरा कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान। और मैं आप लोगों को यह भी कहता हूँ, तैयार है मेरे घर अपनी खुदी का सौदा मत करो। हम इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के कानून का एहतराम करना चाहिए, इस मुल्क के अंदर हम काम करते हैं, इस मुल्क से हम जरा मुबादला भेजते हैं, हम इनका एहतराम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हमें अमेरिका की सरकार, आपको भी पाकिस्तान का एहतराम करना चाहिए, आपको भी मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, आप भी मुसलमानों को दहशत गर्द मुसलमान नहीं है, हम लानत भेजते हैं दहशत गर्दी पर, हम लानत भेजते हैं ताकतों पर जो मुसलमानों को दहशत गर्द साबित करने की कोशिश करते हैं। और मैं आज इस जलसे की दवासत से पाकिस्तान की तरफ से, एक पाकिस्तान का बेटा होने की हैसियत से अमेरिका के सदर ओबामा साहब से गुजारिश करूंगा कि हम दहशतगर्दी में हजारों जाने गंवा चुके हैं, हम दहशतगर्दी में हजारों माओं और बेटियों की कुर्बानियां दे चुके हैं, खुदारा हमें एहतराम और इज्जत की नगाह से देखा जाए, हमारे लोगों को हरासाना किया जाए, यही हमारी खुदी है, हम खुदी में जिंदा रहना चाहते हैं। और आज के दिन हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह साबित किया कि हमें पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। और फिर वही धमाके करने की बारिश में मियां साहब को 10 साल 11 साल तक जलावतनी करनी पड़ी और आज उस कौम ने गैरत का सबूत देते हुए मियां नवाज शरीफ को दोबारा हुक्मरान मुसल्लत किया। और वो सुनामी खान जो सुनामी के जो कह रहा था बहुत बड़ा सुनामी आ रहा है, उसको मियां नवाज शरीफ के जियालों ने एक कटर में बनकर ऊपर टकता बन करके हमेशा के लिए सुनामी को दफन कर दिया है। वाह।